वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या होता है। बेसिकली जब भी आपका सीपीयू जो होगा उसमें मल्टी प्रोग्रामिंग होती है, ठीक है। तो ये मल्टी प्रोग्रामिंग की एबिलिटी जो आती है वो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के कारण आती है। कैसे? देखिए, मान लीजिए आपके सीपीयू में एक प्रोसेस चल रहा था P1, ठीक है। अब इसको क्या हुआ, आयो की जरूरत पड़ गई, आयो रिक्वेस्ट लेना हुआ, या इसका टाइम आउट हो गया। टाइम आउट हो गया कि जितना टाइम इसको मिला था वो कंप्लीट हो गया, तो सीपीयू क्या करेगा कि इसके जहाँ पर दूसरा प्रोसेस लाएगा। तो ये जो प्रोसेस का चेंज होता है एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में जाने के लिए, इसी को कहते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। जब वो सीपीयू एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस की तरफ स्विच होता है तो उसे कहते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। और जब प्रोसेस वन स्विच होता है तो हमें क्या करना पड़ता है कि इसके स्टेट को सेव करना पड़ता है, यानी कि हमें अभी तक जितना काम किया है उसे सेव करना पड़ता है। और हमें पीसीबी में इसका जो होता है प्रोग्राम काउंटर भी सेव करना पड़ता है। प्रोग्राम काउंटर क्यों सेव करना पड़ता है और स्टेट क्यों सेव करना पड़ता है? देखिए, अगर मान लीजिए आप पहला टास्क कर रहे हैं, ठीक है, उसमें इतने ढेर सारे काम करने हैं, इतने ढेर सारे पहले में, और जब तक आयो नहीं आया या टाइम क्वांटम नहीं है इतना काम कर दिया है, तो अगर हम इस स्टेट को सेव किए बिना स्विच कर देंगे तो नेक्स्ट टाइम जब ये काम आएगा तो सीपीयू को पता नहीं होगा कि इस काम को कहाँ से करना है। इसीलिए पीसीबी जो होता है उसमें जाके, जो मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया, वहाँ पर जाके नेक्स्ट एड्रेस जहाँ से आपको काम करना है उसको प्रोग्राम काउंटर में और उसके स्टेट को सब कुछ पीसीबी में जाके सेव करना पड़ता है कि वो नेक्स्ट टाइम जब आए तो वो वहीं से काम करना शुरू कर दें। और फिर जब यहाँ से ये सब कुछ सेव कर लेता है तो फिर वो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग से दूसरे प्रोग्राम पे आके स्विच कर देता है। इसी को कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं। और कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जब होता है तो सीपीयू जो होता है उस समय कोई ओवर यूजफुल वर्क नहीं कर रहा होता। इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था हम अपने प्रोग्राम को इस तरह डिजाइन करते हैं कि सीपीयू कभी खाली ना रहे, वो हमेशा यूटिलाइज हो, लेकिन जब वो एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम की तरफ स्विच कर रहा होता है उस समय वो कोई काम नहीं कर रहा होता है। तो उस समय वो कोई भी काम नहीं कर रहा होता और उसका यूजफुल काम नहीं होता, तो एक हिसाब से उसे कह देते हैं ओवरहेड प्रोसेस वो कर रहा है, ओवरहेड प्रोसेस कर रहा है, यानी कि वो इस समय कोई भी यूजफुल काम नहीं कर रहा, ओवरहेड प्रोसेस कर रहा है। तो आपको मैं इसे पूरे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग को एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए आप अपने घर में आराम से बैठ के बुक पढ़ रहे हैं, ठीक है, बुक पढ़ रहे हैं, और उसी समय आपकी मदर ने आपको किसी काम के लिए बुला लिया, तो ये क्या हुआ, आपको यहाँ से यहाँ तक स्विच करना पड़ रहा है क्योंकि आपको आपकी मदर के लिए हेल्प करने जाना है। लेकिन जब आप हेल्प करने जाएंगे उससे पहले आप क्या कोशिश करेंगे कि आप जिस पेज नंबर पे हैं उसको बुक मार्क कर लें कि ऐसा ना हो कि आप भूल जाएं और फिर से आपको पूरा बुक रीड करना पड़े। तो यहाँ पर ये सेव करना वही कहलाता है पीसीबी में अपनी स्टेट को सेव कर देना, ठीक है, प्रोग्राम काउंटर के थ्रू, स्टेट के थ्रू, ठीक है। और उसके बाद आप जाके मदर का काम कर लिए और उसके बाद जो यहाँ पर आपने स्विच किया वर्क को, इसी को कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं। और फिर जब आपने काम कर लिया उसके बाद फिर से आप रिस्टोर हो गए, और जब आप रिस्टोर होंगे तो पीसीबी की तरह आप बुक मार्क जहाँ है वहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपको आगे अब कहाँ से पढ़ना है बुक को। तो इसी को कहते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करते समय हमेशा याद रखना चाहिए कि उसके डिटेल्स को पहले सेव कर लेना पड़ता है। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बेसिकली क्या होता है, सेव द स्टेट ऑफ, फर्स्ट प्रोसेस देन रीस्टोर द सेकेंड प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। यानी कि पहले प्रोसेस का स्टेट सेव करके दूसरे प्रोसेस को रिस्टोर करके सीपीयू में ले आना। तो सीपीयू बेसिकली इसके थ्रू मल्टी प्रोग्रामिंग करता है क्योंकि एक प्रोसेस वो चला रहा था ये, और आयो का काम पड़ गया या टाइम क्वांटम आ गया ऐसे कामों के लिए, अब वो वहाँ पर भी टाइम क्वांटम आ गया तो दूसरे प्रोसेस को देना पड़ेगा, आयो आ गया तो वहाँ पर उतनी देर सीपीयू फ्री नो यूजफुल वर्क के लिए बैठेगा तो है नहीं, तो वहाँ पर उसको एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में स्विच करना है, तो उसी को कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं। और स्विच करने से पहले वो इसका स्टेट, इसका पीसीबी में सारी डिटेल इसको सेव कर देगा कि नेक्स्ट टाइम जब ये प्रोसेस आए तो इसको पता हो कि अब आगे कहाँ से करना है, इसमें कौन सा स्टेट है, सारी जानकारी इसके पास हो। तो ये हमेशा याद रखने वाली चीज़ है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग से पहले टाइम
पहले प्रोसेस की सारी डिटेल सेव हो जाती है। तो आई होप आपको कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होता क्या है। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जो होता है बेसिकली सीपीयू को मल्टी प्रोग्रामिंग करने की पावर देता है। इसमें एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में स्विच हुआ जाता है, उससे पहले सब कुछ पीसीबी में सेव किया जाता है। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जो होता है वो कोई भी यूजफुल वर्क नहीं करता है सीपीयू के लिए, उस समय कोई भी यूजफुल वर्क नहीं करता, एक तरीके से ये ओवरहेड प्रोसेस कहलाता है। और कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करने से पहले हम पीसीबी में पहले प्रोसेस की सारी डिटेल सेव कर देते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब हम आए तो हमें पता हो कि प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट करना है। और ये इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया कि जैसे आप बुक रीड कर रहे हैं, आपकी मदर ने आपको बुला लिया, तो आप पहले बुक मार्क करके जाते हैं कि आपको पता हो कि नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगा तो कहाँ से मुझे पढ़ना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप फिर से शुरू से पढ़ना शुरू कर देंगे। इसीलिए ज़रूरी होता है कि जितना काम हमने कर लिया उसको पहले सेव कर लें। तो सेव करने का कहाँ होता है, मैंने आपको पुरानी वीडियोस में बताया है कि पीसीबी में हम सारी डिटेल्स सेव करते हैं किसी भी प्रोसेस का, यहाँ पर हमने सेव कर लिया और इसी को पूरा स्विचिंग को कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कोई और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।